हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मेसी वीडियो आसिफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड बुखार के बारे में। हमें टाइफाइड बुखार क्यों होता है, कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं और कौन सा इसमें ब्लड टेस्ट होता है, टाइफाइड बुखार में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और इसका एलोपैथिक इलाज क्या होता है, तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें टाइफाइड बुखार क्यों होता है। हमें टाइफाइड बुखार दूषित भोजन और दूषित पानी का उपयोग करने से होता है और टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है जो कि ग्राम नेगेटिव में आता है। टाइफाइड बुखार को आम भाषा में म्यादी बुखार, मोतीजारा और आंतों का बुखार भी कहते हैं। जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो मरीज को कमजोरी लगती है और जैसे जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ता है तो व्यक्ति की भूख भी कम होने लगती है और सिर दर्द हो सकता है, शरीर में भी दर्द बढ़ सकता है और सर्दी के साथ बुखार आ सकता है और बुखार 2-3 दिन तक लगातार आएगा और 102 डिग्री से लेकर 104 डिग्री तक आ सकता है और सुस्ती व आलस्य का अनुभव हो सकता है, दस्त की समस्या भी बढ़ सकती है और पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है। तो ये सभी इसके लक्षण होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसमें कौन सा ब्लड टेस्ट होता है। तो इसमें विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट एक ऐसी जांच है कि जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में ही होती है क्योंकि ये जो टाइफाइड बुखार होता है ये बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है और विडाल टेस्ट हम इसलिए कराते हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि रोगी को टाइफाइड है या नहीं। अगर आपके विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो आपको टाइफाइड है। तो अब जान लेते हैं कि टाइफाइड बुखार में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमें टाइफाइड बुखार में कैफीन युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पेट में गैस पैदा कर सकती है और रिफाइंड और जंक फूड नहीं खाने चाहिए। घी, तेल, मक्का, बेसन, शकरकंद, भूरे चावल आदि का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही लाल मिर्च, मिर्च का सॉस, सिरका, गर्म मसाला, खटाई नहीं खानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का हमें परहेज रखना है। तो अब जान लेते हैं कि टाइफाइड बुखार में हमें क्या खाना चाहिए। तो फलों में चीकू, पपीता, सेब, मौसमी, संतरे का सेवन किया जा सकता है और दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर और पपीता खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं टाइफाइड बुखार का एलोपैथिक इलाज। तो ये इलाज आपको 7 दिन तक करना है और 18 साल से ऊपर की एज का ये ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक पैरासीटामोल लेना है और विकासूल दोनों को एक साथ लेना है और सुबह शाम इनको लेना है और इनके आधे घंटे बाद आपको एक सिफिक्जिम लेना है। सिफिक्जिम भी आपको दिन में 2 ही बार लेना है और मोनोसेप इंजेक्शन भी आपको दिन में 2 ही बार लेना है और इसको आईवी यूज़ करना है। आईवी यूज़ मतलब इसको नस में लगाना है और इसको बहुत स्लो लगाना है। तो आपको इनको भी दिन में 2 ही बार लेना है दोनों को एक साथ और इनके आधे घंटे बाद आपको एक सिफिक्जिम लेनी है। सिफिक्जिम भी आपको दिन में 2 ही बार लेनी है और मोनोसेफ इंजेक्शन भी आपको दिन में 2 ही बार लेना है और इसको आईवी यूज़ करना है, बहुत स्लो स्लो इसको यूज़ करना है। और आप एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिफिक्जिन प्लस ऑफ्लोक्सिन भी ले सकते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये ट्रीटमेंट आप अपने घर पे ना करें, ये केवल फार्मेसी स्टूडेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट आपको मिल सकते हैं तो आप इनका उपयोग अपने घर पर ना करें। आपको मोनोसेफ और सिफिक्जिम, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन पर इनकी कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने इन पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।